हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषभराज आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस सेकंड वीडियो में। पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 3x3 रूब्स क्यूब का पहला लेयर कैसे बनाते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसे देख लीजिए और सीख लीजिए कि पहला लेयर कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि 3x3 रूब्स क्यूब का सेकेंड लेयर कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को जो स्टेप्स बताऊँगा उसे आप लोगों को याद करने होंगे। तो 3x3 रूब्स क्यूब का पहला लेयर बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को ये बात का ध्यान रखना है कि ये चारों पीस हमें चार पीस यहाँ यहाँ सेट करना है चारों जगह। तो वो चारों पीस जो होगा वो जैसे मैं वाइट लेके इसको बना रहा हूँ उसका अपोजिट येल्लो होता है, तो जो जो पीस येल्लो कलर नहीं होगा जिसमें एक भी येल्लो कलर नहीं होंगे वही यहाँ पर सेट होंगे। जैसे ये पीस है ग्रीन एंड रेड, इसमें येल्लो नहीं है। तो अगर ये मान लीजिए ये पीस कहीं और होता यहाँ होता तो आप देखिएगा कि थर्ड रो में जो पीस है ये आपके और जो फेस करता है वो जो पीस हो उससे आप उसके सेंटर से मैच कर लीजिए। जैसे यहाँ पे ग्रीन है तो इसको इसके सेंटर के पास लेके जाइए। उसके बाद ये रेड है, रेड इधर है राइट की ओर, तो इसे आप लेफ्ट की ओर रोटेट करिए। इस राइट रो को आप एक बार नीचे करिए, फिर ये वाइट पीस को आप एक बार राइट की ओर रोटेट कर दीजिए, फिर ये पूरे रो को ऊपर, फिर आप क्यूब को ऐसे पकड़ लीजिए। वाइट यहाँ पे है, हमें इसे यहाँ पे सेट करना है। तो लेफ्ट में सेट करने के लिए मैंने आपको बताया था इसे राइट में रोटेट करिए, इस पूरे रो को नीचे लाइए, वाइट से वाइट को मैच करिए, इस पूरे रो को ऊपर। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये पीस यहाँ पर सेट हो गया। वैसे ही हम लोग सारे पीस को सेट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे ब्लू एंड रेड, तो ये ब्लू से ब्लू सेंटर के पास लेके जाइए, मैच कर लीजिए। राइट में इसे सेट करना है, लेफ्ट में इसे सेट करना है, तो इसे राइट में रोटेट करिए, इस पूरे रो को नीचे लाइए, वाइट को लेफ्ट में इसके अपोजिट साइड में रोटेट कर दीजिए, इस पूरे रो को वापस अपनी जगह पर। वाइट को लेफ्ट में हम लोग को सेट करना है, तो ये पूरे को लेफ्ट में रोटेट करिएगा, फिर इसको नीचे वाइट से वाइट को मैच एंड इसको ऊपर। उसके बाद ये ब्लू एंड ऑरेंज, तो ब्लू से ब्लू सेंटर मैच, उसके बाद ऑरेंज राइट की ओर, इसे लेफ्ट की ओर रोटेट करेंगे, इस पूरे रो को नीचे लाएंगे, वाइट को राइट की ओर रोटेट करेंगे ब्लू के अपोजिट, इस पूरे रो को ऊपर। वाइट को लेफ्ट में सेट करना है, इसे राइट में रोटेट करेंगे, पूरे रो को नीचे, वाइट से वाइट को मैच एंड इसको ऊपर। आप लोग के पास ये सेकंड केस इसमें ऐसा आएगा कि पीस सही जगह पर है पर ये उल्टे होंगे। जैसे ये ऑरेंज और ग्रीन यहाँ पे ऐसे है, तो ये ऑरेंज और ग्रीन, तो आप इसमें ऐसा करिए किसी भी एक पीस को मान लीजिए कि वो यही कलर, जैसे ये ऑरेंज ये येल्लो ना मान के इसे आप ग्रीन मान लीजिए और ग्रीन इधर है, तो हम लोग इसका अपोजिट इसको रोटेट करेंगे, फिर इस पूरे रो को नीचे लाएंगे, इसको ऑरेंज से अपोजिट ग्रीन की ओर रोटेट करेंगे राइट की ओर, फिर इस रो को वापस अपनी जगह पर। फिर ये वाइट को लेफ्ट में सेट करना है, तो इस पूरे रो को हम लोग इधर रोटेट कर देंगे, इसको नीचे, वाइट से वाइट को मैच एंड इसको ऊपर। तो आप लोग देखेंगे कि वो पीस यहाँ पे आके सेट हो गया है और ये पीस यहाँ आ गया है ऑरेंज एंड ग्रीन। तो ऑरेंज वाले पीस को ऑरेंज के ऑरेंज सेंटर मैच, फिर उसके राइट में हम लोग को इसको सेट करना है, तो एक बार लेफ्ट में रोटेट करेंगे, इस पूरे रो को नीचे, इस राइट रोटेट वाइट पीस को, इसको वापस अपनी जगह पर। ये यहाँ पर आ गया है वाइट पीस को लेफ्ट में सेट करने के लिए राइट में रोटेट करते हैं, फिर इस पूरे रो को नीचे, वाइट से वाइट को मैच करेंगे, फिर इसे ऊपर। तो आप लोग देख सकते हैं कि 3x3 का सेकंड लेयर भी कितनी आसानी से बन गया है। तो अगर आप लोग को ये स्टेप मेरे समझ में नहीं आ रहा है तो इसकी एल्गोरिदम भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसे याद कर सकते हैं। इस 3x3 रूब्स क्यूब का थर्ड लेयर कैसे बनाते हैं ये मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए
और कमेंट में बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, थैंक यू।